गजब रोड भाई। और हम लोग यार टेंशन यार रहे हैं हम लोग इस पे। ओ भाई ये देखो राइट में ऐसा लग रहा है अनटच्ड स्नो की मतलब बाप रे बिना भाई ऐसा रास्ता है क्या जेंट्स कार का। तो विनय का चश्मा नहीं मिला तो विनय यहाँ दुकान है यहाँ पीछे। हाँ। तो विनय नया चश्मा लेके आया रे बहन का मात्र 250 रुपए का रे बहन। चाय पी लो कावा पी सकते हैं एक तो कावा टेस्ट कर लेते हैं। एक कावा लो पहले हाँ पता तो लगे कैसा है। चाय दो भैया कावे का पाउडर है ये। हाँ। चाय दो पिलाओ भैया जो सबसे कड़ा हो आपके पास ठीक है। वंस अगेन वी आर बैक ऑन सैडल और अब बढ़ते हैं यार बहुत ही तेज गर्मी लग रही है। 16 डिग्री टेम्परेचर हो गया यार 60 डिग्री से अचानक से पूरा पसीने में नहा रहा हूँ मैं यार। मैंने यार रेन लाइनर उतार देना चाहिए था मैं कह रहा था ना क्योंकि अभी टेम्परेचर 14 है बट ऊपर चलते चलते टेम्परेचर कम होगा जब खारदुंगा टॉप पर पहुँचे। जस्ट लुक एट द व्यू व्यूज़ खतरनाक है। खारदुंगला ऐसे ही फेमस नहीं है मतलब अपने व्यूज़ के लिए फेमस है। अच्छे व्यूज़ है भाई खतरनाक लेकिन हमारा एक्साइटमेंट कुछ और ही है। जब से बाइक गिरी ना एक बार एकदम से जंस्कार की आग लग गई है अंदर। कैसे करें जंस्कार बिना सनग्लासेस के आप यहाँ देख नहीं सकते हो बर्फ की तरफ ना बाइक चला सकते हो इतना ज़्यादा ग्लेयर आता है ना स्नो का बाप रे आपकी आँखें अंधी सी हो जाएंगी भाई। अब देखो व्यू आते समय खारदुंगला में ना ये व्यू दिखता नहीं है। अब देखो भाई साहब बीच में वाटर बॉडीज हैं जो पूरी जम गई है देख रहे हो क्या सुंदर व्यू है यार। मन हो रहा वहाँ बर्फ का जो झुंड है ना वहाँ जाए बिल्कुल स्नोई वाइट मिल्की वाइट स्नो जो है उस पर देखे खेले जाके। लेकिन वहाँ पे ना इतना कम टेम्परेचर होगा ना उस जगह पे माइनस में कम से कम 10-15 आप बंदा और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी। बंदा ऐसे ही स्ट्रगल कर जाए जाके। स्नो वाइट विनय छलांग लगा दो यहाँ से सीधा बाइक छलांग लगा दो बर्फ में। पैराशूट लेके कूद जाते हैं ना। अभी वहीं एक छोटे से एडवेंचर में तो बाइक गिर गई थी। ये एडवेंचर ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा बट रियली मैसमराइजिंग। ये देखो भाई स्कूटी से लद्दाख करते हुए देखने चक्कर हमारी बाइक डुल जाती है। ओ भाई ये देखो राइट में ऐसा लग रहा है अनटच्ड स्नो की मतलब बाप रे बिना खतरनाक भैया खतरनाक। इतने टाइम हम नहीं ध्यान दिए थे क्या। अरे आपको एक मस्त चीज दिखाएं ये देखो अभी बाइक में ना स्नो दिखाने लग गया जबकि मैंने कोई मोड चेंज नहीं किया है डायनेमिक मोड पे ही है स्नोफॉल हो रहा था शायद बाइक ने डिटेक्ट कर लिया स्नो है। ये देखो स्नो का सिंबल दिख रहा है यार ये सही है मस्त यार बाइक बंद नहीं कर रहा है। टेम्परेचर हो गया 2 डिग्री। लो भाई वंस अगेन एक ट्रिप में 2 बार खारदुंगला क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। ऐसा अभी तक नहीं किया। ओह मैन हो गया फाइनली। ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है बट हीटेड ग्रिप्स अपनी ऑन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन फुर्ती में नीचे उतरेंगे जैसे जैसे नीचे उतरेंगे वैसे वैसे जो है ठंड भी कम होगी हवा का फ्लो भी कम होगा और मौसम जो है थोड़ा गर्म होगा। रोज़ ग्लव्स सुखाते हैं रोज़ ग्लव्स जो है मॉइस्ट हो जाते हैं भीग जाते हैं जिसको बोलते हैं। सॉलिड व्यू वो नीचे दिख रहा है ले शहर जहाँ हम जल्दी ही पहुँचने वाले हैं एंड दिस इज़ द व्यू पॉइंट जहाँ हम आते समय रुके थे। क्या मजे आए भाई यार क्या स्ट्रेट पैच है ये रोड का और सेकंड हाफ में ना खारदुंगला काइंड ऑफ खाली रहता है भाई ये रोड लोग खाली बोलते ही भीड़ आ गई। क्या नजारे हैं देख रहे हो नीचे कान बंद हो गए इतनी तेजी में उतरे में। और भाई हमारे 101 किलोमीटर पूरे हो गए आज दिन के पता ही नहीं चलता है 100 किलोमीटर कब पूरे हो जाते हैं एंड टाइम इज़ 2:15। आज हमें इतनी प्रॉब्लम्स आई पहला तो पेट्रोल लेने में हमारा 40 मिनट वेस्ट हो गया दूसरा इतना ज़्यादा वहाँ
वो जो दिखाया था आपको ब्लास्टिंग वगैरह हो रही थी वहाँ आधा पौना घंटा वेस्ट हो गया, तो ये सब कर कुरा के ना टाइम काफ़ी ज़्यादा चला गया, तो अपन थोड़ा लेट हो गया, बट स्टिल अपन पहुँच जाएंगे। अभी क्या करेंगे, अपन लोग जंस्कार वाली रोड ले लेंगे, खालसी और लामायुरु के बीच से जो लेफ्ट रोड है, और उस रोड में सबसे नीरेस्ट जहाँ स्टे मिल जाएगा हमें, हम पता कर लेंगे। एक जगह थी कोई मेरे को याद नहीं है, तो वहाँ जाके हम लोग स्टे कर लेंगे, ताकि कल हम लोग जब स्टार्ट करें तो बिल्कुल प्योर जंस्कार से स्टार्ट करें। तो भाई ले का चेक पॉइंट आ गया, यहाँ अपन फ्यूलिंग करवा लेते हैं और अपना रेन लाइनर उतार लेते हैं। सिटी वाले अंदर वाले फ्यूल पंप में ना भीड़ रहती है। बढ़ दो। अबे इतनी तेज गाने कौन चला रहा है भाई, भरो धीरे धीरे बनना भैया। लो भाई लगभग 6 लीटर फ्यूल नहीं बन रहा, होगा लगभग 6 लीटर। अब इसमें है जगह ना मैंने थोड़ी सी, भाई हमने 6 लीटर पेट्रोल जो है पूरा भरा दिया है। देखो वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर पड़ गई तो कम से कम पीस ऑफ माइंड है ना, टेंशन नहीं है। खाने पीने का कुछ सामान लेना था यार ले से, ये रास्ता कहाँ ले जाके छोड़ेगा ये देखना पड़ेगा। ये देख रहे हो ले, इतना सही लग रहा है यहाँ से, और ये ना पीछे वाला ले है, एक आगे वाला मेन ले है। यहाँ तो कुछ ना कुछ खाने पीने का हो गई, अच्छा है यहाँ भीड़ कम होगी थोड़ी। यहाँ बन रहा है पता है विनय, सब बना रहे हैं धीरे धीरे, कंस्ट्रक्शन हो रहा है धीरे धीरे। लग रहा है वो बाजू वाला पहाड़ भी अंदर ले लेंगे ये लोग। ये वहाँ से निकाला है विनय, अभी राइट चलना है ना हम लोग को मार्केट के लिए। अच्छा हमें लेफ्ट चलना है, तो भी क्या अपन नोरबू किचन में खा लेते हैं, विनय पेट ना ढक्कन हो जाए तुम्हारा, बस ये ध्यान रखना। नोरबू किचन में खाते हैं अपना लंच भाई। मोमोज तो हम खा गए, हमने मोमोज मंगाए थे, उसके बाद अभी फ्राइड राइस मंगाए, अब वो खा लेंगे, खा पी के यहाँ से निकलते हैं। पानी हमने 4 बोतल ले लिया मस्त। ओके भैया चलो फिर बाय बाय ले, अब आएंगे फिर किसी अगली साल या किसी और साल। 3 साल से लगातार ले आ रहे हैं भाई। सो अब निकलते हैं ले से, बढ़ते हैं खालसी लामायुरु की तरफ। भाई ले से निकलते ही आ गई भयंकर आंधी, पूरी बाइक जो है धुली जा रही है एक तरफ। एनीवेज हम लोग अभी ले से कारगिल रोड पे चल रहे हैं, और यहीं पे ले एयरपोर्ट भी आता है साइड में, ले वॉर मेमोरियल भी आता है। ओ भाई क्या आंधी चल रही है ना। हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम, और इसी के पीछे ले एयरपोर्ट है। तो यार तो अबे यार हम लोग की बाइकें राइड होती जा रही हैं इतनी। विनय तुम ध्यान रखना, तुम्हारी ज्यादा हल्की है। क्या भयंकर आंधी चल रही है भाई, ऐसा लगा किसी ने पकड़ के राइट दाईं तरफ धकेल दिया और चल सारे उधर। सही में साल मौसम सही में अजीब है भाई, भयंकर आंधी चल रही, पता नहीं क्या आवाज़ आ रही होगी, कुछ नहीं दिख रहा। हमने सोचा था कि हम यार ड्रोन उड़ाएंगे। यार तुम खुद ही उड़े जा रहे हैं भाई। Turn up for the night. Real thing, she's no average girl. Too fine, oh she might. She's so damn fine. I just wanna call on you. Money just fall on you. Not a thing I won't do. Ooh yeah, yeah. I just wanna call on you. Let me do it all for you. Can't nobody fall on you. Ooh yeah, yeah. She the girl in my visions. Now that I'm right में जो आप देख रहे हैं वो है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, और बहुत ही मान्यता प्राप्त गुरुद्वारा है। पिछली बार हम लोग जब आए थे तो हम यहाँ गए थे, जितने भी लोग यहाँ आते हैं इसको ना इंडियन आर्मी मेंटेन करती है, तो इसका रख रखाव इंडियन आर्मी करती है, सारा कुछ इंडियन आर्मी देखती है। जितने भी लोग लद्दाख घूमने आते हैं यहाँ जरूर मत्था टेकते हैं आके। ओए ओए ये देखो ऑफ रोड के ऑफ रोड कर, अरे यहाँ से बढ़िया ऑफ रोडिंग है, मैंने देख रहा हूँ रास्ते तो हैं। क्या किया जाए। कर ली जाए, व्यू देखो भाई कितना सही है यार, चलो चलते ही हैं। करनी है तो कल ऑफ रोडिंग ही तो करनी है कल से भाई। लुक एट द व्यू, लुक एट द व्यू, ओ मैन लुक एट द व्यू एंड लुक एट आवर स्पीड। अब लोग कैसा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, और ये अब आ गए हैं मैग्नेटिक हिल्स। ये एक फिनोमिना है, पहले मेरे को भी पता नहीं था, बट बाद में मेरे को पता चला इट्स जस्ट ए फिनोमिना। इट
लुक्स लाइक कि रोड जा रही है सीधी, मतलब रोड अपहिल चल रही है, बट ओवरऑल जो स्लोप है वो डाउनवर्ड ही रहता है। तो इट्स ए काइंड ऑफ इल्यूजन कि हमें लगता है कि गाड़ी चढ़ाई की तरफ चढ़ती चली जा रही है। हवा भाई साहब दुला दिया हवा ने। ये पोर्शन बहुत ही सही लगता है विनय, है ना, ये जो मैग्नेटिक हिल वाला जो एरिया है। इस जगह का नाम है निमो और यहाँ पे आप देख सकते हो दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। पिछली बार हम नीचे भी गए थे, हमने ड्रोन भी उड़ाया था, आप देख सकते हो ड्रोन फुटेज। ये देखो अब हम आ गए हैं फ्लैट रोड पे। यहाँ हवा ऐसी है कि अगर ड्रोन उड़ाएंगे ना तो वो उड़ के बगल वाली घाटी में चला जाएगा, हाँ ले ही मिलेगा। पूरा फड़फड़ाए जा रहे हैं, अगर ये आंधी नहीं होती ना मस्त बाइक भगाते। बहुत ही प्यारा व्यू होता है यार ये एरिया जो है। अभी तो 70-80 की स्पीड रखना भी मुश्किल हुआ जा रहा है, देख रहे हो। और देखो विनय आगे कैसे फड़फड़ा रहा है। लामा खालसी 51 ड्रास 239, तो अपने को खालसी के आगे से ही लेफ्ट टर्न लेना है। मजे आते हैं यहाँ बाइक चलाने में, इसलिए लोग लद्दाख आते हैं भाई। ऐसे नज़ारे, ऐसे व्यू के बीच में ऐसी रोड, और क्या जी। चलो तीसरी बार आ रहे हैं, लेकिन जितनी बार आओ उतनी बार पहले से ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होता है, कम नहीं होता। Oh man, look at the roads. वो 140 कर दी थी मैंने भाई बस। This is the Oh man. एटीएम ने पीछे कर दिया बीएमडब्ल्यू को भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, थकान नजर गई पूरी, काश हवा न चल रही होती। ये लो भाई सिंध नदी के रिवर के साइड में चल रहे हैं हम। क्या पानी सही दिख रहा है यार, काफी ज्यादा पानी है भाई। हाँ फ्लो बहुत अच्छा है भाई। तो खालसी यहाँ से है अराउंड 33 किलोमीटर रह गया है बस, और उसके बाद जहाँ हम जंस्कार की तरफ टर्न मार के एक गांव तक जाएंगे, छोटा सा, ज़्यादा दूर नहीं, 20-25 किलोमीटर ही है। तो वो गांव का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो चल के बताएंगे। जहाँ हम रुकने का सोच रहे हैं बट हमें भी पता नहीं कि वहाँ पर कुछ रुकने का इंतजाम है कि नहीं है, तो खालसी में अपन जो है पता करेंगे। एंड विनय बाबू देखो नज़ारे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो लो जी अपन पहुँचने वाले हैं खालसी। खालसी में चल के ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ जाया जा सकता है। ये बहुत बढ़िया है, सबसे पहले तो पेट्रोल भराएंगे अपनी बाइक में, टंकी फुल कराएंगे, क्योंकि कल से कुछ पता नहीं है कि जंस्कार में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और भरो, ऊपर से भरो, हाँ भरना स्टार्ट करो, मैं बताऊंगा। थैंक यू। अरे हमने 200 किलोमीटर बाइक चला ली, मैंने पता भी नहीं चला आज 208 किलोमीटर। तो अभी हम पहुँच गए हैं खालसी, पेट्रोल हमने अपनी बाइक में बिल्कुल फुल करा लिया है। अब बस ये पूछना है कि जो नया वाला रास्ता है ना लिंक सेट होते हुए, ये रास्ते में जंस्कार जाने का क्या है। वो तो भैया पीछे बोल रहे थे कि आप ना पुलिस से एक बार पूछ लेना, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है नाके पे। तो हम पूछेंगे अभी नाके पे। तो अभी हमने खालसी चेक पोस्ट पे एंट्री करा दी है, और पुलिस वाले भैया कह रहे हैं कि जो जंस्कार का रास्ता है वो खुला है और वहाँ आपको रहने को वो भी मिल जाएगा। 00 अच्छा उसी में घुस जाओ, जो फर्स्ट में मिलेगा उसका होटल में उधर मिलेगा। यहाँ से ये जो रास्ता है, ये गांव है तरकलक, ये इसी रास्ते पे है तरकलक। बोलो तो इसमें कहीं कुछ मिलेगा रहने का? ये वाला कौन सा बता रहे हो, ये जगह कहाँ पे है? युछुंग। तो ये लुंगचुंग में ही है ये? हाँ, युछुंग में, हाँ, युछुंग। एक मिनट, एक घंटा दिखा रहा है अभी।
चले। तो भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन है यार रास्ते को देख के, समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्या भैया आ जाओ, चलो। लास्ट ईयर जब हम लोग लद्दाख आ रहे थे ना, तो इसी खालसी पॉइंट से ये रास्ता बंद था, कुछ आर्मी का मूवमेंट था पता नहीं क्या। तो वो देखो जो नदी के उस तरफ रास्ता चल रहा है ना, उससे हम लोगों को भेजा था भाई। क्या बैंड बजी थी कारगिल पहुंचने में, बाप रे याद आ गया। मतलब वो बाद के दो दिन यार पिछले राइड के बड़े दुख भरे गए थे। लुक एट दी स्ट्रक्चर्स मैन, हाई साहब ये देखो आप, ये है व्यू भैया। बाकी सब जगह लद्दाख लद्दाख है, ये मानना पड़े लद्दाख अपनी जगह है। एक बार आओ चाहे 10 बार आओ, इस जगह का अपना एक चार्म है। ओ भाई दिस इज द रोड, वांगला फोटोस्कर निराक रोड। चलो मोड़ो। है ब्रो इस रोड से आप आ रहे हो क्या अभी? इस पे आगे कोई होम स्टे रुकने वगैरह की जगह है आसपास? आसपास ही है, मिल जाएगा पक्का? चलो ठीक है, थैंक यू। कहाँ से आ रहे हो आप? आज मैं आ रहा है इधर एक स्टॉप है फुकसर। अच्छा आपने पूरा जंस्कर किया है? हाँ। नाइस। सिंकुला होके कैसा रास्ता है सिंकुला से? बहुत गंदा है। इस साइड का रास्ता बहुत गंदा है, उस साइड बहुत अच्छा है। सिंकुला की उस तरफ अच्छा है ना, वो तो पूरा बढ़िया है टिल दारचा। ओके थैंक यू। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ साथ साथ चले, तुम्हारी बुकिंग करवाते हो। लो भैया ऑफिशियली एंट्री मार दी है जंस्कार। रोड तो सही है यार, मैंने अभी अब होगा असली एडवेंचर, थोड़ी देर अच्छी रोड एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद जो है घटिया रोड आनी स्टार्ट होगी। ये रोड भाई अब हम लोग जिस रोड पे है ना, इस पर पहली बार आए, कभी नहीं आए इस रोड पे भाई, नो आइडिया। अब सिंकुला तक तो आए मनाली साइड से, बट इस तरफ से तो गए ही नहीं कभी, बट वी विल डू, कोई दिक्कत नहीं करके रहेंगे। बस हमें ये देखना है कि वो नया वाला रूट लेना है हमें, ठीक है? क्योंकि ये अभी जो मैप में दिखा रहा है ये पुराना वाला रूट है, वो नया वाला रूट अभी हाल ही में खुला है। गजब रोड भाई, और हम लोग ना टेंशन ही आ रहे हैं हम लोग इस पे। तो अभी एक आगे जगह है हनुपट्टा, तो हमने सोचा जहाँ तक अच्छी रोड है वहाँ तक चल लेते हैं, क्योंकि कल से जो है ना प्योर ऑफ रोड है टिल पादुम। जितने भी बाइकर उधर से आ रहे हैं उनकी शक्ल देख के भाई 12 बजे हैं सबकी शक्लों पे। तो हमने सोचा कि जितना आज कवर कर लें तो कल उतना डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कल। वो तो कल के ब्लॉग में पता चलेगा, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हनुपट्टा यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर रह गया है, वहाँ पे होम स्टेज वगैरह हैं, तो अपन वहाँ जाके रुक जाएंगे, और अभी उजाला है तो पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक विनय बस जाने वाली है रोड। तो भैया यहाँ से राइट ले लिया, अब जो है जंस्कार की शुरुआत हो चुकी है काइंड ऑफ। रोड का अभी तो पता नहीं, यहाँ इनको बोर्ड लगाने चाहिए हनुपट्टा और मिराक निराक, ये सब कितना कितना दूर है जहाँ से रोड कट रही है, ये बंदा कंफ्यूज ना हो जाए। अब मेरे हिसाब से रोड नहीं है विनय ना, यहीं तक रोड बनी थी बस। पता नहीं तो हनुपट्टा आ गई है, एक लोकल भाई ने बताया। चलो बिना थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग आज ही कर लेते हैं ना। क्या ही है भाई, पत्थर उछल रहे हैं यहाँ तो। भाई ऐसा रास्ता है क्या जंस्कार का? मेरे को वो रूट याद आ गया, मनाली से काजा, क्या खतरनाक रूट था यार वो। भाई बस हनुपट्टा में जगह मिल जाए यार। अभी क्या करते हैं अपनी बाइक की ना मोड, इसमें थोड़ा सा सेटिंग्स जाना पड़ेगा, ऑफ रोडिंग वाला मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा मैंने, ड्राइविंग मोड प्री सिलेक्शन। तो मैं रेन को ऑफ करता हूँ, एंड्योरो प्रो ऑन करता हूँ, ऑन ठीक है। और अब मैं एंड्योरो प्रो सेलेक्ट करता हूँ जो कि प्योर ऑफ रोडिंग मोड है, डायनमिक एंड्योरो एंड्योरो प्रो वार्निंग। अच्छा इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल बंद हो गया भाई विनय, ये नहीं करना है मेरे को। नहीं मैं एंड्योरो करता हूँ, एंड्योरो प्रो जो मोड है ना उसमें पता है क्या होता है, ABS और ट्रैक्स रियर ABS बंद हो जाता है और ट्रैक्शन कंट्रोल बंद हो जाता है,
हाँ, और इंडियोरो मोड में सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल बंद होता है। इसको डालता हूँ रोड मोड पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पावर की ज़रूरत है नहीं। तो भाई इधर तो बहुत ज़्यादा दूर। तो अभी हम पहुँच गए हैं हनुपट्टा। अभी नए और आगे जाने की चाहत तो नहीं है, यहाँ अपन रुक के कोई होम स्टे वगैरह ले लेंगे और वहाँ रह जाएंगे। लो भैया, दोनों बाइकें हमारी पार्क हो गई, अपन पहुंच चुके हैं हनुपट्टा। ये है हमारा आज का होम स्टे जहाँ हम रहने वाले हैं। लुक एट द व्यू मैन, पहाड़ देखो भाई साहब, जहरीले। विनय बाबू ने बड़े ही प्यार से अपनी बाइक जो है लगा दी पार्किंग में बिना किसी तकलीफ के, मेरे को थोड़ी तकलीफ हुई। सो फाइनली अभी अपन पहुँच गए हैं हनुपट्टा। ये जो है जब आप खालसी से लेफ्ट लेते हो ना तो अराउंड 20 किलोमीटर अंदर है और छोटा सा गांव है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हमें रुकने का इंतजाम मिल गया। क्या दिन रहा यार आज का। पहले आपको अपनी बाइक दिखा देते हैं, हमने अपनी बाइक ना वहाँ पार्क कर दी है, आपको दिखाया ही था ब्लॉग में, वो हमारी बाइक्स पार्क्ड है। अभी आपको रूम भी दिखा देते हैं। क्या दिन रहा यार, हम लोगों ने स्टार्ट किया नुब्रा वैली से और हम लोग यहाँ जंस्कार आ गए हैं। अभी स्टार्टिंग है जंस्कार की और 260 किलोमीटर के आसपास हमने आज टोटल बाइक चलाई, जिसमें बाद का 15-20 किलोमीटर प्योर ऑफ रोड था, जो कल पूरा मिलने वाला है और मज़ा आ गया। अगर रूम आपको दिखाऊं, सो दिस इज़ अवर रूम जहाँ आप रुके हैं। अच्छा होम स्टे यार, मतलब बेड नहीं है, ज़मीन पे ही बिस्तर लगा, बट ठीक है यार, क्या चाहिए। हमारा प्लान ये था कि मतलब हम जितना ज़्यादा कवर कर पाए ना आज, क्योंकि कल हमें पादुम जाना है, तो भैया कल तो बैंड बजने वाली है। और एक बात ये भी हुई कि आज अपनी बाइक गिर गई थी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा लूज़ हो गया, बट ठीक है, सब चलता रहता है यार, इसीलिए सब प्रोटेक्शन लगवाया उसका। कुछ नहीं हुआ बाइक में, लिटरली कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज बिल्कुल सेफ एंड साउंड। तो अब क्या, इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। कल से स्टार्ट होगा ताबड़तोड़ जंस्कार। अब अगले 300-400 किलोमीटर बिल्कुल प्योर ऑफ रोड है, नो रोड नो टर्मैक, मजा आ जाएगा बिल्कुल। अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को भी यार सपोर्ट दिखाना, और जो मेरी लद्दाख सीरीज है पूरी नॉन स्टॉप, हम लोग पहले एपिसोड में नॉन स्टॉप दिल्ली से ले आए थे यार, उसमें बहुत मेहनत लगी थी। तो आप लोग ना वीडियोस को लाइक भी करो यार, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब तो करो ही करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल एक्सप्लोर करेंगे रियल जंस्कार। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय। सांस लो, रुक जाओ, उठ जाएगी। एक दो, क्या हो गया, कहाँ लीक कर रहा है, क्या लीक कर रहा है, कहाँ लगी? नहीं, दोनों करो भाई, तुरंत रिलीफ चाहिए। इस तरफ डालना, ये जो जॉइंट है ना,